कभी कभी ना कुछ कामों के लिए ना हर किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, वो पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि खुद कर ले। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और ब्लॉग स्टार्टिंग हो रही है सुबह 8:30 बजे से, तो बच्चे दोनों जा चुके हैं पेपर देने के लिए और मैं फिलहाल यहाँ पे लग चुकी हूँ लंच बनाने के लिए। तो मैंने कल रात में ना साबुत दालें भिगा दी थी, साबुत दालें मैंने भिगाई हैं, तो उसी की आज मैं बनाऊंगी दाल और चावल बनाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ आज हम रायता खाते हैं, क्योंकि मौसी ना हमारे लिए इतनी सारी ककड़ियाँ लेके आई थी रायते के लिए, अगर नहीं खाएंगे ना वो ख़राब हो जाएगी। तो आज मैं सब्जी नहीं बना रही हूँ, आज हम लोग ककड़ी का रायता खाएंगे। और मुझे यहाँ पे काफ़ी समय से ना मलाई खट्टी हो रखी है, तो मैं श्रेया के पापा से कह रही हूँ उसको घी बना दो। तो अभी जैसे आ चुके हैं खेल करके, तो अभी छत में गए हैं, तो मैं इनसे कह रही हूँ उसका घी बना दो तो काम आ जाएगा, नहीं तो फिर और सारे बर्तन किचन में खट्टे होते जा रहे हैं। ए भैया रहा, सुबह की चाय इसने पी ली है, फिर से तौलिया लटक गया है दरवाजे के कोने में। और बस सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, बच्चे दोनों स्कूल हैं तो थोड़ी देर में मतलब आ जाएंगे जल्दी, क्योंकि पेपर है उनका, तो पेपरों में जल्दी छुट्टी हो जा रही है। हाँ तुझे पता नहीं क्या भैया, नहीं तो अभी तक कितने और ऊपर नीचे कर लेते हो लोग। तो बस फिलहाल तो ये काम चल रहा है। अभी श्रेया के पापा से बोला है कि मलाई से घी बना दो, अब देखो क्या करते हैं, कब बनाते हैं, अभी तो वो फिलहाल छत पे ही है। तो बस फटाफट मैं करती हूँ, पहले तो मैं लंच की तैयारी, फिर उसके बाद देखेंगे क्या क्या काम करना है। तो अभी मैंने कुकर पर ना दाल को बॉइल करने के लिए रख दिया है, साथ में यहाँ पर चावल भी चढ़ा दिया है। सब्जी नहीं बनेगी, कल तेल गर्म किया था कढ़ाई में तो वही रखा हुआ है, तो रायता बनेगा। फिलहाल तो रायते के लिए खीरा निकालती हूँ। तो ये मौसी खीरा लेके आई थी हमारे लिए बड़ी बनाने के लिए, बट अभी सराह चल रहे हैं और बड़ी मैं बना नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने पहले स्टार्ट नहीं किया था, तो इसलिए अभी फ़िलहाल तो इसका रायता खा लेते हैं और एक खीरा ये भी पड़ा हुआ है, तो इसका बनाते हैं रायता। तो अभी ना यहाँ पे दाल भी अच्छे से बॉयल हो चुकी है, टमाटर थोड़े से मसाले डाल के बॉयल किए थे, तो आज मैंने खूब सारी साबुत दालें भिगा के बनाई है, तो अभी इसमें तड़का लगाएंगे थोड़े में। चावल भी यहाँ पे बन गया है और मैंने यहाँ पे ना ये भी बना के तैयार रख दिया। अगर पति देव के चक्कर में रहती ना तो मेरा नहीं होता काम, क्योंकि ये जोई को नहलाने लग गए हैं, तो मैंने कहा मैं फटाफट मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो वैसे कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि मतलब मैं ये हमेशा यही बनाते थे, तो मम्मी कहना ऐसे बनता भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो यार कोई ना कोशिश करती हूँ, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर बाद में श्रेया के पापा बना लेंगे, अगर ख़राब हो गया तो उसको अपना ठीक करेंगे घर के लिए। तो अच्छा खासा मेरे ने हो चुका है और इनसे ज़्यादा अच्छे से सफाई से काम किया मैंने, नहीं तो ये होते थे अभी पूरा गंदा कर देते। कभी कभी ना कुछ कामों के लिए ना हर किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, वो पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि खुद कर ले, और खुद नहीं होता तो तब जा करके औरों की मदद लेनी चाहिए। तो आज मैंने भी वैसे ही करा, मैंने कहा एक बार बनाती हूँ तो अगली बार से भी इनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बना दो, तो मैं खुद ही बना लूँगी। तो आज मैंने खुद ही बना लिया है मलाई से मक्खन, अब मक्खन से बनेगा घी। तो मैं इसको चावल और दाल तो यहाँ पर हो चुका है, बस तड़का लगाना है, और मैं इसको भी रख देती हूँ यहाँ पर बनने के लिए चूल्हे पर। बस तो यहाँ पर अपना बनते रहता है, आज हमारे घर में खूब मस्त ही बनेगा, पाव भर करीबन तो निकल जाएगा सोच रही हूँ, अब देखते हैं दिखाऊंगी आपको कितना निकलता है। यहाँ पे ना रायता बनके लगभग तैयार हो चुका है, इसे मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और सामने में मैंने जो राय के दाने थे ना उसे पीस के डाला है और भिगाने के लिए रख दिया। मैं इसको रख दूंगी ढक्कन लगा के फ्रिज में, और जो इसमें हम नमक डालेंगे मैं हरा दमचा डालूंगी, हरा दमचा बोले तो धनिया हरी मिर्च और नमक को पीस के रखा हुआ है, तो हम उसको डाल देंगे इसमें। तो फिलहाल तो अब इसको रख देते हैं फ्रिज में, और जितने समय रहेगा ना जो इसमें हमें राय के दाने डाले थोड़ा सा झनझन झनझन होगा, मतलब श्रेया के पापा को वही वाला पसंद है,
तो पहाड़ी रायता तैयार हो जाएगा हमारा। और इधर यहाँ पे घी भी लगभग लगभग बन के तैयार हो चुका है, ये रहा। और ये घी और रायता बनने के चक्कर में अभी दाल में तड़का नहीं लगाया है, इसमें तड़का लगाती हूँ। अभी यहाँ पे हमारा लंच लग के तैयार हो चुका है, तो ये रही आज हमारी लंच की थाली। चावल है, मिक्स दाल है और साथ में रायता, जिसे मैंने हरा दमचा डाल दिया है। तो मैं और पतिदेव करने लगे हैं यहाँ पे लंच, और यहाँ पे मम्मी और बहन और मैं वीडियो कॉल में गप्पे सप्पे भी मारे साथ साथ में, तो एंजॉय करते लंच को। और साथ ही साथ में मम्मी लोगों के साथ गप्पे भी मारती हूँ। तो क्या खा रहा था गुड्डू? तो दोस्तों अभी रूम पे आ चुके हैं और अभी पता है 2 बज रहा है, कोई कहेगा 2 बज रहा है, मौसम का तो मिजाज कुछ अलग ही। तो भैया अभी बाहर गया था तो अपनी लैपी को ना थोड़ा सा मैंने कुछ करना है बोला था, तो अभी वहाँ बात बात करके आ गया, तो शायद कल जाएगा ठीक करवाने के लिए। और कुछ लाया हमारे लिए, तो भैया मेरे लिए लेके आए दही बड़े। इससे पहले एक दिन मैंने खाए ना दही बड़े, तो मुझे बहुत पसंद आए, तो मैंने कहा मुझे दही बड़े खाने हैं। तो यहाँ पे दही बड़ा लेके आए मेरे लिए, और बच्चों के लिए ले आया है सॉल्ट के बतासे। तो बच्चे भी सोए हैं, जब उठेंगे तब खाएंगे, तो मैं इन्जॉय करूँगी। तो अभी है शाम का समय और अभी बज रहा है 6 बजने में 10 मिनट है। तो यहाँ पर हमारी कॉफ़ी पी जा रही है पति देव। श्रेया जो की कॉफी नहीं पी रही है, मैं दे रही हूँ। तेरा टी शर्ट, सॉरी तेरी टी शर्ट मेरे पास का कलर एक ही और है, ग्रीन ग्रीन है तो ग्रीन ग्रीन। अभी बज रहा है 6:15 और मैं जा रही हूँ बाहर, जो ही सैंड के लिए अंडा खत्म हो रहा है, तो अंडा लेके आती हूँ और थोड़ा सा घूमी घूमी करके आती हूँ। तो अभी आ चुकी हूँ शॉपिंग के लिए, अभी जो ही सैंड के लिए अंडा ले लिया, से चिप्स ले दिया, अगले एक बिस्कुट ले लिया। ये आटा बिस्कुट है क्या? हाँ। ये देखो जो ही कितना खुश हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इसने अंडे देख लिए, जोई और सैंडी के अंडे ख़त्म हो गए थे बेचारों के लिए, तो आज मैं ले आई हूँ। कल से बेचारे फिर से अंडे खाएंगे, कल से खाएगा ठीक है, अभी नहीं बनाऊँगी ठीक है, अभी तो आपने खाया ना दही हो ठीक है, कल से खाएगा मैं बच्चा अंडा, कितना खुश हो रहा है बाबा। बाल क्या चमक रहे मेरे झुल्लू के, ये देखिए अन्हा की तरह हीरोइन बनी है। सारे अंडों को पहले फ्रिज में रख देती हूँ, एडजस्ट कर दिए थोड़ा बहुत, थोड़ी यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे, तो अभी बजे है सुबह के 6:30 और मैं आ चुकी हूँ अपने टेरेस पे। और क्या मस्त मौसम हो रहा है यार, रात को बारिश हुई है और पता भी नहीं चला बारिश का, मुझे तो मतलब खतरनाक ही नहीं रही थी मुझे। हाँ बारिश से धनिया सब लेट गया हमारा। मौसम दिखाओ आपको, पीछे देखना मौसम क्या मस्त बादल दिख रहे हैं, अभी पहाड़ों में साइड को ऊपर साइड को दिख रहा है, मौसम मस्त हो गया, अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा भी। तो अभी थोड़ी देर पहले जस्ट उठे हैं, जो ये सैंडी के लिए कर दिया है अंडा बॉईल, और अभी फिर बनाते हैं हमारे दूध चाय तैयार करती हूँ। मुझे आगे मौसम को देख करके सुबह से अच्छा मौसम, मैंने एक बार छत में देख के आती हूँ। तब चलते हैं नीचे, सैंडी भी भाग रही है, कोई आ गया साइड में गेट में, नहीं घंटी तो नहीं बजी, क्या हुआ सैंडी आ जाओ नीचे वा, अभी गंदी जाएगी, कल ही नहाया इसने, सीढ़ी में आराम से चलने गई, कभी भी गिर सकती हूँ दोबारा सीढ़ी में, दो बार तो गिर चुकी हूँ, आ जाओ जो ही नीचा गंदी जाएगी नहीं, हमारा यहाँ पे लंच बन के तैयार हो चुका है। तो आज मैंने बनाई है आलू लौकी की सब्जी, और साथ में चावल है, और है साथ में फटकी चुड़का नहीं है रही। तो अभी बज चुका है 10:30 और अभी हम लोग कर रहे हैं अपना लंच, साथ में खीरा भी काटा हुआ है, और ये रही बहन और मम्मी खाते हुए वीडियो कॉल में, सुबह का रोज का चल रही हमारी गपशप।
तो दोस्तों खाना पीना हो चुका है, नाना धोना हो चुका है और बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, क्योंकि आज बच्चों का पेपर नहीं, कल लास्ट पेपर है बच्चों का, तो फिर बच्चों की उसी की तैयारी चल रही है। तो थोड़ी देर में मैं भी अब थोड़ा सा रूम ठीक करूँगी और थोड़ा सा काम करते हैं। मौसम तो बहुत ख़राब है, बारिश तो नहीं हो रही बट मौसम मस्त हो रहा है बाहर, ये देखिए बाहर का मौसम, और धूप भी नहीं आई है तो अच्छा मौसम हो रहा है बाहर का। तो फटाफट अपना और काम करते हैं और इसी के साथ ब्लॉग की पेंडिंग करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपको मैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।